एवरीवन, स्वागत है राइट टू एजुकेट चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनेट शटडाउन के बारे में। इट इज बेसिकली कि पर्टिकुलर लोकेशंस पर इंटरनेट की सर्विसेज को बंद कर देना। और अभी हाल ही में किसान आंदोलन के समय आप सभी के फोन पर भी मैसेजेस आए होंगे कि गवर्नमेंट ने इंटरनेट की सर्विसेज को बंद कर दिया, या फिर अगर चल भी रहा होगा तो बहुत स्लो स्पीड में होगा, जिसका होना या ना होना एक के बराबर है। और हमें पता है अब इस बढ़ते वक्त में हम जितना ज़्यादा डिजिटलाइज होते जा रहे हैं, हमारे इंटरनेट पर डिपेंडेंसी भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है। लास्ट ईयर 2020 इंडिया को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है इंटरनेट शटडाउन की वजह से, $2.8 बिलियन। इसमें कुछ 21 कंट्रियां शामिल थी जिन्होंने इंटरनेट को बंद करने की कोशिश की थी, जिसमें से सबसे ऊपर इंडिया थी नुकसान के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये जो रिपोर्ट है ये यूके बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन टॉप 10 वीपीएन ने सबमिट करी। और अगर हम बात करें तो ये 5 वर्स्ट कंट्रीज हैं जो इंटरनेट शटडाउन की वजह से अफेक्ट हुई हैं, जो है इंडिया, म्यांमार, अजरबैजान, येमेन एंड बेलारूस। और अगर हम इंडिया की बात करें तो 8,927 आवर्स के लिए इंटरनेट को बंद किया गया था, विच इज़ अराउंड 372 डेज, और जिसकी वजह से 10.3 मिलियन पॉपुलेशन अफेक्ट हुई है, और जिससे इंडिया को $2.78 बिलियन का नुकसान झेलना पड़ा है। और इधर हम अदर कंट्रीज को कंपेयर करें इंडिया के साथ, तो वहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम इफेक्ट हुई है इंटरनेट शटडाउन की वजह से, जिससे उनकी इकोनॉमिक कॉस्ट पर भी बहुत कम असर पड़ा है। एज वी ऑल नो कि इंडिया की पॉपुलेशन बाकी कंट्रीज से बहुत ज़्यादा है, इसलिए इंडिया की जो कॉस्ट आई है, इकोनॉमिक कॉस्ट, वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई है। यह 2019 में तीसरे नंबर पर था इंटरनेट शटडाउन के मामले में, लेकिन 2020 में ये पहले नंबर पर आ गया। और उन्होंने अपने रिपोर्ट में ये भी बताया कि जो उन्होंने $2.8 बिलियन का नुकसान बताया, ये तो एक मोटा मोटा फिगर कैलकुलेट कर बताया। ये जो नुकसान है ये इससे भी ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने अपने रिपोर्ट में ये जो विलेजेस हो गए या डिस्ट्रिक्ट हो गए, लोकल एरियाज में जो भी शटडाउन किए गए थे उनको कैलकुलेट नहीं किया गया। अगर ये उनको भी कैलकुलेट करेंगे तो ये $2.8 बिलियन से और ज़्यादा पहुँच जाएगा। और इंडिया ने 75 टाइम्स इंटरनेट की एक्सेस पर रोक लगाई थी इन 2020, जो दूसरी कंट्रीज से सबसे ज़्यादा था। और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कश्मीर में इंटरनेट के यूज़ को लेकर अलग से मेंशन किया है कि अगस्त 2019 में इंटरनेट की सर्विसेज को बैन कर दिया गया था और मार्च 2020 में इसको हटा दिया गया, लेकिन अभी भी कश्मीर में 2G में इंटरनेट की सर्विसेज अवेलेबल हैं। तो आप सोच सकते हो वहाँ के क्या हालात होंगे। हम यहाँ जरा सी बफरिंग होते हैं इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, तो वहाँ लोगों को कैसे झेलना पड़ रहा हो यार। हर दंगों का सोल्यूशन थोड़ी इंटरनेट शटडाउन हो सकता है, ये तो वही बात हो गई, मतलब कि आग जलाने से जल जाते हैं तो आग जलाना ही बंद कर दे, उसको कंट्रोल करना सीखो ना। और इस इंटरनेट शटडाउन को एक डेमोक्रेटिक कंट्री में सबसे लंबा शटडाउन बताया गया। एज वी ऑल नो कि वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो ये कहीं ना कहीं हमारी कंट्री को नेगेटिवली इम्पेक्ट डालता है, क्योंकि 2016 में हमारे फंडामेंटल राइट्स में राइट टू इंटरनेट को इंक्लूड किया गया था। इंटरनेट को शटडाउन करके हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन किया जाता है, तो नेगेटिवली इम्पेक्ट भी डाल रहा है हमारे मेडिसिन, बिजनेसेस, स्कूल्स के डिस्ट्रीब्यूशन पर। ये सारी चीज़ें भी इंटरनेट शटडाउन की वजह से अफेक्ट होती है। ये डाटा द हिंदू से लिया गया है, जिसमें ये डिपेक्ट कर रहा है कि इंडिया में कितनी बार इंटरनेट को शटडाउन किया गया। लाइक 2014 के बाद से इंटरनेट शटडाउन का रेट कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जा रहा है, और 2018 में 134 बार इंडिया में इंटरनेट शटडाउन किया गया, और साल के शुरू होते ही 2021 में इंटरनेट शटडाउन 4 बारी हो चुका है ऑलरेडी। एंड नेक्स्ट इज कि सबसे ज़्यादा इंटरनेट शटडाउन से कौन सा रीजन इफेक्ट हुआ है। फर्स्ट नंबर पे है जम्मू कश्मीर, राजस्थान, यूपी, हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार, और 7वें नंबर पर है दिल्ली। एंड इन द नेक्स्ट ग्राफ ये शो कर रहा है कि इंटरनेट की स्पीड सबसे कम जम्मू कश्मीर के एरिया में, देन नॉर्थ ईस्ट के एरिया में केरला, बिहार, कर्नाटका, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल रेस्पेक्टिवली। तो जब जब इंडिया में इंटरनेट शटडाउन किया जाएगा, इंडिया की इकोनॉमी पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। हम ओवरऑल इंटरनेट शटडाउन ना करके कुछ पर्टिकुलर ऐप्स पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, जिससे इकोनॉमिक कॉस्ट पर भी कम इफेक्ट पड़ेगा। इसका का सोल्यूशन इंटरनेट शटडाउन होने लगा तो इससे इंटरनेट शटडाउन की संख्या और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। और इस इशू को लेकर आप लोगों का क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। And if you find this video informative, please hit the like button, share it and subscribe the channel. Thank you.